हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे, और लास्ट टाइम आप सबने पीईबी यानी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स का वेबिनार लास्ट संडे को देखा था। सबने बहुत सपोर्ट किया। आज काफी लोग मैसेज कर रहे थे कि सर कल किस चीज का वेबिनार होगा, तो मुझे लगा सभी इंटरेस्टेड हैं तो शायद हमें उनके लिए कुछ अलग करना चाहिए। तो इस बार जो आपके लिए वेबिनार लेके आया हूँ, ये प्री कास्ट कंक्रीट इंडस्ट्री के ऊपर लेके आया हूँ। मतलब फुल डिटेल, प्रीकास्ट होता क्या है, क्या एडवांटेज है, कैसे डिजाइन होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, कैसे इसको पूरा सीख सकते हैं, ये कंप्लीट डिटेल वेबिनार अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि कल तक 100 लाइक्स इसके ऊपर आ जाए। 100 लाइक आते ही फटाफट मैं आपके सामने लाइव आऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट 11 o'clock मॉर्निंग में। मिस मत करना भाई, कल संडे है, सोच के उठने उठने में मैक्सिमम 9 तो बच जाएगा, लेकिन 11 बजे तक तो फिट हो जाएंगे ना, तो 11 बजे कल आ जाना। आज आपको उसकी जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ कि प्रीकास्ट होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप कल आओ वेबिनार पे तो थोड़ा अवेयरनेस रहे आपको इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रीकास्ट के बारे में गाइस। प्रीकास्ट एक ऐसी इंडस्ट्री है कि कुछ टाइम के बाद आप देखोगे आरसीसी बहुत कम आ जाएगा बिकॉज ऑफ प्रीकास्ट इंडस्ट्री। ऑलरेडी कॉमर्शियल में काफी हद तक ये आ चुका है, ठीक है। अभी जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं वो भी प्रीकास्ट पे ही बन रहे हैं, सिर्फ रेजिडेंशियल में ही आरसीसी का भी उपयोग हो रहा है। मे भी कुछ सालों के बाद, ऐसा नहीं कि आरसीसी और जगह नहीं हो रहा है, मतलब डेफिनेटली अपार्टमेंट वगैरह हो रहा है, बट बड़े शहरों में जैसे कि पुणे में, मुंबई में प्रीकास्ट की पूरी अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। अब प्रीकास्ट जरूरी क्यों है, उसका फायदा क्या होता है, और साथ ही साथ अगर इंटरव्यू में जाओगे तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइस आपसे सबसे पहले तो यही पूछ लेंगे, व्हाट इज प्रीकास्ट? हम वेबिनार ज्वाइन करेंगे कल 11 बजे, ठीक है, अच्छी बात है, फ्री में, लेकिन ज्वाइन क्यों करेंगे, होता क्या है? तो पहला ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, इंटरव्यूअर पूछता है आपसे। दूसरा, एडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज क्या है इसका, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीकास्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं। अगर हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके लिए कैमरा लग रहा है कि लैपटॉप लग रहा है, पीपीटी लग रही है, ऐसे ही प्रीकास्ट के लिए कौन कौन सा एलिमेंट लगेगा, और साथ ही साथ कैसे बनाएंगे, हाउ इट मैन्युफैक्चर, और हाउ इट टू प्लेस इन स्ट्रक्चर, कैसे प्लेस किया जाएगा, डिजाइन पैरामीटर्स कैसे कैसे डिजाइन किया जाएगा, व्हाट इज प्रीस्ट्रेसिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग, यही 8 क्वेश्चन होंगे। इन पर कल फुल वेबिनार करने वाले हैं, इन पर कल फुल वेबिनार करने वाले हैं, फुल डिस्कशन करेंगे क्या होता है। आज आपको पहले मैं बता देता हूं कि प्रीकास्ट होता क्या है। कंक्रीट एलिमेंट कास्ट एंड क्योर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देन ट्रांसपोर्ट टू द कंस्ट्रक्शन साइट। बस क्या हो रहा है, हमने एक दुकान खोली है, दुकान मतलब फैक्ट्री खोली है, फैक्ट्री के अंदर वॉल बना रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर कॉलम बना रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर स्लैब बना रहे हैं, और ले जाके सीधे जहां पर बनानी है बिल्डिंग वहां पर ले जाके प्लेस कर दिया। That process is called precast. आज के टाइम में आप देखते होंगे जो मेट्रो, इसके देख लो, मेट्रो इतनी फास्ट बन रही है, आज एक कॉलम लगा, कल दूसरा कॉलम, परसों तीसरा कॉलम, इतना फास्ट कैसे हो पा रहा है? मेट्रो के मैक्सिमम जो कॉलम्स हैं अभी कैसे आ रहे हैं, सारे के सारे प्रीकास्ट आ रहे हैं, ले आया फटाफट प्लेस किया और फटाफट तैयार हो गया, ठीक है। तो ये फायदा होता है इसका। इसमें स्टेयर्स वगैरह को आप फैक्ट्री से डायरेक्ट और फोन करो, हेलो मुझे स्टेयर्स चाहिए इतने फीट वाली, ठीक है, फटाफट ट्रांसपोर्ट होके आ जाएगा स्टेयर्स आपके सामने और इसको फटाफट लगा दोगे। कल इसके बारे में डीप में डिस्कस करूंगा। ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स आर लिफ्टेड इनटू प्लेस एंड असेंबल्ड इनटू स्ट्रक्चरल असेंबली। स्ट्रक्चर ड्राइंग के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे लिफ्टिंग हुप्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर इसके थ्रू क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, ये फटाफट इसके थ्रू क्या करेंगे, क्रेन से ले आके डायरेक्ट प्लेस कर देंगे। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि अगर आप G+10 बना रहे हैं तो मैक्सिमम 30 to 40 days में तैयार करके दे पाएंगे आप, कैसे बताऊंगा कल के वेबिनार्स में। इसके एडवांटेज थोड़ा सा जान लो, ये बहुत तेज आप इरेक्शन कर सकते हो, इरेक्शन मतलब प्लेसिंग्स, बहुत जल्दी आप इसको लगा सकते हो, गुड क्वालिटी कंट्रोल। अब लोग सर कैसे क्वालिटी कंट्रोल की बात आप कर रहे हैं, ये तो फैक्ट्री में बन रहा है फिर प्लेस हो रहा है, गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, फैक्ट्री के अंदर प्रॉपर इंजीनियर बना रहे हैं इस एलिमेंट को, तो इंजीनियर बना रहे हैं तो कितना परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है, कितना सीमेंट रिक्वायरमेंट है, प्लस बाहर का वेदर भी इफेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि फैक्ट्री के अंदर बन रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली प्रीकास्ट। जिसको भी आरसीसी की कोई ऑप्शन चाहिए कि आरसीसी के अलावा किस सेक्टर में हम लोग बना सकते हैं, तो कल मैं इसकी कंपनीज का भी नाम बताऊंगा कहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, और साथ ही साथ उसके लिए तैयारी क्या कर सकते हो ये भी बताऊंगा।
गुड क्वालिटी कंट्रोल हो जाता है जब डेफिनेटली फैक्ट्री में बनेगा तो. प्री स्ट्रेसिंग इज इजली डन विच कैन बी रिड्यूस द साइज एंड नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर एलिमेंट. यहाँ पर क्या हो रहा है, फैक्ट्री में भाई देख रहे हो, फैक्ट्री में है ना हम लोग सब कुछ, तो जितना रिक्वायरमेंट है एनालिसिस के अकॉर्डिंग उतना ही एलिमेंट बनाओ. साइड पर क्या होता है कि ये भी एक्स्ट्रा हो गया, वो भी एक्स्ट्रा हो गया, तो हमारे पैसे यहाँ पर ज्यादा सेविंग हो जाते हैं. कंट्रोल द कॉस्टिंग कंडीशन, हाई क्वालिटी फॉर्म्स अलाउ द ग्रेटर कंट्रोल ऑफ सरफेस फिनिश. आप देखते होंगे कभी कभी कॉलम वगैरह जब साइड पर बनता है डायरेक्ट हनीकॉम आ गया, फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही है. यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर माइवन सटरिंग अच्छी वाली क्वालिटी की यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू जो एलिमेंट बन के आ रहा है बेहतरीन बन के आ रहा है, उसकी सरफेस फिनिशिंग अच्छी हो रही है, ड्यूरेबल अच्छी लाइफ चलती है उसके, मतलब ज्यादा दिन तक चलता है. क्या चाहिए इंसान को, ऐसा मोबाइल फोन चाहिए जो ज्यादा दिन तक चले ना, परमानेंट स्टील फॉर्म्स. एक बार स्टील बना दिया, स्टील बेड बोले तो जैसे कि हम लोग फोमोस यूज करते हैं ना, फोमोस को जब स्टील बेड एक बना देते हैं फैक्ट्री में, उसके ऊपर बार बार स्लैब को कास्ट करते रहते हैं. स्टील फॉर्म्स आर रीयूज सेवरल टाइम, बार बार उसको यूज कर सकते हो क्योंकि फैक्ट्री में इतनी जल्दी खराब नहीं होगी. साइट पर क्या होता है, शटरिंग खोलने के लिए फट 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 करके तोड़ते हैं जनरली जो होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप आराम से उसको उठा लेते हो तो काफी लॉन्ग टाइम तक चलता है ये. इसका ये देखो कुछ प्रीकास्ट के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये है और ये भी प्रीकास्ट के एलिमेंट है. आप देखो इसमें चाहो तो हॉलो स्लैब्स बनाओ या फिर सॉलिड स्लैब बनाओ, सब कुछ आपके ऊपर है. तो इसके बारे में फुल वेबिनार कल करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि अभी तुरंत एक साथ नहीं हो पाएगा, कल आप क्वेश्चन भी पूछोगे तो और मजा आएगा. अभी इतना ही रखेंगे, अगर आपको चाहिए तो 100 लाइक्स पहुंचाओ. कैसे पहुंचाना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत कर लो. क्या मेहनत करना है भाई, आपको अपने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां पर भी एक शेयर कर दो. ठीक है, मैं करता हूँ तो काफी लोग करते हैं, इसकी वजह से ही लास्ट टाइम पॉसिबल हो पाया था. अगर आपको चाहिए, इसमें फुल इंटरेस्टिंग चीज है, ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और ये आपको पीपीटी भी चाहिए तो यूनिक सिविल जो ऐप है उसमें हम लोगों ने दे दिया है ऑलरेडी, फ्री स्टडी मटेरियल में जाके आप डाउनलोड कर लीजिए. एक काम और करिए, लास्ट काम है, क्या काम है, वो मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत मेहनत से डेली आप सबके लिए पोस्ट बना रहा है यूनिक सिविल पर. इंस्टाग्राम सभी लोग चलाते हो, टाइम जाता ही है, कुछ सीख लो. ठीक है, क्या सीखने को मिल जाता है यहाँ पर, आप देखो अच्छे अच्छे पोस्ट वो डेली बनाता है यहाँ पर, डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में दो दो डेली एडिट पोस्ट आते हैं. आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है यहाँ से, कॉन्सेप्ट्स फोटो वगैरह देख के आपको आइडिया लग सकता है कि कैसे कैसे हम क्या क्या इंटीरियर कर सकते हैं, एक्सटीरियर कर सकते हैं. तो बहुत मेहनत करता है वो, तो उसके मेहनत को थोड़ा सा रिजल्ट दे दो. रिजल्ट देने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको इंस्टाग्राम चला ही रहे हो, सर्च करके यूनिक सिविल को फॉलो कर लो. लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके इसको आज जरूर फॉलो कर लेना. जिससे कि क्या होता है, कभी कभी हम लोग को कुछ अपडेट देना है तो यहाँ पर भी दे सकते हैं अगर आप सब जुड़े हो तो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज. कल वेट करेंगे 11 o'clock पे, भूलना मत. अपने दोस्तों को, कॉलेज के जितने दोस्त हैं उनको भी बता देना कि भाई प्री कास्ट इंडस्ट्री के बारे में अगर फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कल का लेक्चर मिस मत करना, बहुत मजा आएगा. और अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं इसको अनवरत अनवरत मतलब बहुत दिन तक चालू रखूंगा. थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत.